नमस्कार, मैं उस पहल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। जनपद में हो रहे हत्याओं से आक्रोशित सपाओं ने कलेक्टर को किया घेराव। खबर चंदौली से, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर का घेराव कर जनपद में हो रहे हत्याओं पर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और शासन प्रशासन पर दोहरी मानसिकता से काम करने का आरोप भी लगाया। दरअसल चंदौली जिले के पिछले सप्ताह में अब तक 4 हत्या हो चुकी है, लेकिन चंदासी को छोड़कर अभी तक पुलिस किसी भी हत्या का खुलासा नहीं कर पाई है, जिसका विरुद्ध अस्वरूप सपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। अपना घेराव को एक छोटी सी सभा के रूप में तब्दील करते हुए हैं वक्त अब प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे और सरकार के निकम्म बताने से पीछे नहीं रहे। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। कितना गुंडाइट लगाए, कितना कंडक्टर लगाए, इसका जवाब दो। एडीएम साहब, आपका इंस्पेक्टर फोन करके कल कह रहा था कि ताली थाली नहीं बजाने दूंगा, मैं बेरोजगार हूँ, मेरा रोजगार कौन सुनिश्चित करेगा? मैं ताली थाली बजाता हूँ तो आप रोकते हो? आपसे पूछना चाहता हूँ एडीएम साहब, सीओ साहब, गुंडाइट छोटे कार्यकर्ता पर लगाते हो, गाँव गरीब पर लगाते हो, लाठी उनके ऊपर चलाते हो, कभी सत्ता के लोगों से भी चलाओ। सत्ता की गाड़ी में बैठकर अपराधी घूमते हैं। अगर आपके ट्विटर से बयान जाता है कि अनमोल सुरक्षित है तो अनमोल को लाओ हमारे बीच। अगर अनमोल नहीं सुरक्षित है तो बताओ किसको गिरफ्तार किया। जिले में अगर हम कुछ करते हैं, समाजवादी लोग करते हैं, तो आपका घनघनाता है फोन, आपके सिपाही दरोगा जाते हैं घर उठाने, गिरफ्तार करने, जेल भेजने। तो असली अपराधी, जैसा कि आप सब जानते हैं, चंदौली में पिछले ही सप्ताह 4 हत्याएं हुई और पुलिस ना तो अभी तक किसी हत्यारोपी को पकड़ पाई है, ना ही उस हत्या का कोई खुलासा हुआ है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था कि इस हत्यारों का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, हत्या क्यों हुई इसका खुलासा हो, लेकिन अभी तक कोई निश्चित जवाब नहीं आया। उसी के संबंध में आज समाजवादी पार्टी ने जिला कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था और हम सब की मांग है कि चंदौली में जंगल राज हम लोग व्याप्त नहीं होने देंगे। जितनी भी हत्याएं हुई हैं उन हत्याओं का जल्द से जल्द खुलासा हो और हत्यारोपी जो भी हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएं।